चलो ध्यान दो। चलो इसमें हम लोग डिस्कशन जो है प्रीवियस क्लास में कहाँ तक किए थे, जो है क्वेश्चन नंबर क्या बताओ, 7। ठीक है, तुम लोग में हुआ था ना 7 तक। इसमें जो है 8, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान में देखो जो है, ठीक है, 8 क्वेश्चन नंबर। चलो एफ सच दैट आर टेंस टू आर, ध्यान दो, जो टेस्ट हुआ था संडे को उसमें देखना है कितने बच्चे इस टेस्ट के पेपर को क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। ठीक है, टेस्ट होने के बाद पेपर उसी तरह से रख दे रहे हो, तुम लोग सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, इसको चेक करना हम लोग को। तो एफ सच दैट आर टेंस टू आर, जैसे फंक्शन कंप्लीट हो गया, अब इससे जो क्वेश्चन आया तुम कहाँ तक लगा सकते हो। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स, ये कौन सा फंक्शन है बताओ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमको चेक करना है 1 1 एंड आन टू, ठीक है, 1 1 अगर फंक्शन चेक करना है, आन टू चेक करना है, ठीक है, पहला 1 1 ऑप्शन है, दूसरा मेनी वन है, 1 1 एंड इन टू मेनी वन एंड आन टू। बताओ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर ग्राफ बच्चों को नहीं बनाने आता तो कौन सा मेथड लगाओगे, यस तुम बताओ कौन सा मेथड लगाएंगे। गुड, डेरिवेटिव मेथड। डेरिवेटिव मेथड में क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इसका इसका मतलब सबसे पहले इसको क्या करें, जो फंक्शन मिला है क्या कर दें बताओ, डिफ्रेंशिएट। जैसे ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे हमको क्या मिलेगा, ई के पावर एक्स। अच्छा, इस ई के पावर एक्स में कौन सी वैल्यू रखेंगे, यस तुम बताओ, कापी बंद करो, कापी इस समय दिमाग यहाँ बोर्ड पे हो, कापी बंद करो, यही चीज़ें जो है तुम लोग को समझ में आए, पेपर के बाद क्वेश्चन लगा पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, पेपर को रख दिए उसी तरह से, डेरिवेटिव करने के बाद हमने बताया था 1 1 चेक करने का मेथड, ग्राफ मेथड बताया था, इफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ ओनली 1 पॉइंट। एक होता था कि ग्राफ जब तुम्हारे लिए कठिन होने लगे तो डेरिवेटिव मेथड, डिफ्रेंसिएशन करने के बाद, ठीक है, क्या करना है, डोमेन को उठा के डेरिवेटिव में रखना है, अगर सिर्फ ग्रेटर देन जीरो रहे तो ग्रेटर देन ही जीरो रहे, या लेस देन जीरो रहे तो क्या रहे बताओ, अगर दोनों आ जाए एक ही डोमेन में, 1 1 नहीं होगा, यही बताया था ना। ठीक है, तो ये नहीं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, डेरिवेटिव करने के बाद, डेरिवेटिव करने के बाद अब इस डोमेन को इसमें रखोगे तो देखोगे कि कोई भी वैल्यू रख लो, ये ई के पावर कुछ भी हो, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, हमेशा क्या मिलेगा, गुड, ग्रेटर देन क्या मिलेगा, जीरो। फंक्शन क्या कभी अपने डोमेन में लेस देन जीरो होगा, नहीं होगा, ठीक है ना, ये फंक्शन जो है अपने डोमेन में लेस देन कभी जीरो नहीं होगा। तो लेस देन जीरो नहीं, ये कौन सा फंक्शन हो गया बताओ, 1 1 फंक्शन, थोड़ा जोर से बोला करो तुम लोग, 1 1 फंक्शन, ठीक है, ये 1 1 फंक्शन हो गया। बताओ अब हम चाहते हैं तुम जो है फाइंड करो जो है आन टू फंक्शन। चलो आन टू फंक्शन के लिए क्या करेंगे हम लोग, यस तुम बताओ, इधर बोलो, बताओ तुम नहीं पढ़े हो इधर, हाँ बोलो, चलो एक बच्चा प्री इमेज से बताया कि फ्री एलिमेंट ऑफ कोडोमेन दैट कैन है प्री इमेज, थोड़ा बोलो, बोलोगे तभी क्वेश्चन आएंगे, बैठे रहोगे तो काम नहीं होगा एग्जाम में, बस यही चीजें, बस यहाँ बोलना जैसे ही शुरू करोगे बस तुमको आना शुरू हो जाएंगे, एग्जाम में भी क्वेश्चन वैसे ही सोचना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा बेस करो, ध्यान से दो, यहाँ भी चीजों को बोलो जो है जो क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्री इमेज से देखे, प्री इमेज से हमको लग रहा है कुछ कठिन लग रहा है क्या, कि आसान है, आसान है, ठीक है, बताओ ऐसा फंक्शन है एवरी एलिमेंट ऑफ प्री इमेज ई के पावर एक्स, ध्यान देना, अब रियल नंबर को डोमेन क्या है, हमारा को डोमेन क्या है बताओ, रियल नंबर, क्या कभी यहाँ से रियल नंबर मिल पाएगा, नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगी वैल्यू जीरो से क्या मिलेगी, बड़ी मिलेगी। ठीक है, मतलब ये डोमेन जो है, सॉरी रेंज जो है, जीरो से इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब ये हमारा क्या है बताओ, को डोमेन क्या है, आर रियल नंबर, क्या को डोमेन ओवरलैप किया, नहीं किया, फंक्शन क्या आंटू हुआ, आंटू नहीं हुआ तो क्या हुआ, गुड इनटू, पढ़ा हुआ काम आया, क्या हो गया बताओ, इनटू, तो फंक्शन क्या है, 1 1 है और क्या है, इनटू, कहीं ऑप्शन में दिखा तुम लोगों को, कौन सा ऑप्शन, गुड सी ऑप्शन करेक्ट, तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1 एंड इनटू। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में चेक करना था बच्चों को। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बाइजेक्टिव फंक्शन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों को, सेट ऑफ रियल नंबर दे रखा है। ठीक है, तो तुमको एफ सच दैट आर टेंस टू आर ना बोल के सेट ऑफ रियल नंबर बोल दिया, मतलब इसका मतलब ये दे दिया, एफ सच दैट आर टेंस टू आर दे रखा है। चलो कॉपी अपना पेन देखो और लगाओ जो है इसको, क्वेश्चन सामने है,
यस, कितने बच्चे लगा सकते हैं बता सकते हैं आप, बताओ, एक्सप्लेन कर सकते हैं? गुड, चलो बताओ, मैं व्यक्त हो जाओ, जल्दी जल्दी करो, चेक करोगे सबसे पहले, पहले किसको ऑप्शन इसमें उठाना है, क्या करना है बताओ, ऑप्शन, तो पहले ऑप्शन को चेक करोगे सबसे पहले। अगर मान लो इससे ये फंक्शन एफ एक्स है, पहला ऑप्शन चेक करने गए, तो वन वन चेक करने के लिए मिलता है, तो क्या करोगे सबसे पहले? गुड, डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर ग्राफ तुमको कठिन लगता है डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या मिल गया बताओ, टू मिला, टू, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद बैठ जाओ, यस तुम बताओ, यस, मतलब ये जो डोमेन की वैल्यू दिए हैं इसमें पुट करेंगे, तो देखोगे पुट करोगे यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ तो कांस्टेंट मिल गया, मतलब ये हमेशा क्या रहेगा बताओ, क्या कभी लेस देन भी जीरो जा सकता है? तो कोई डेरिवेटिव जो है हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहे तो क्या रहे, ग्रेटर देन ही जीरो रहे, तो फंक्शन क्या होता है, वन वन। तो वन वन तो क्लियर हो गया हम लोग को, ये फंक्शन वन वन है, वन वन फंक्शन, ये वन वन क्लियर है, बच्चे दिमाग में रखेंगे, ठीक है। एक भी अगर आंसर आ जाता है तो हो जाएगा बाइजेक्टिव, लेकिन चेक करना है। बाइजेक्टिव का मतलब भी हमको किसके बारे में सोचना है, आंटू, आंटू फंक्शन के बारे में, तुम बताओ थोड़ा, यस, आंटू फंक्शन के लिए कंडीशन रेंज किसके इक्वल टू हो जाए, गुड, बैठ जाओ, रेंज जो है किसके इक्वल टू हो जाए, कोडोमेन, या रेंज ओवरलैप द कोडोमेन, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, आंटू, रेंज ओवरलैप द कोडोमेन, इसका मतलब सबसे पहले रेंज निकालेंगे, तो रेंज निकालने का सबसे आसान तरीका, इसको y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 मान लो, तो y प्लस क्या कर दो, 5 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू क्या बताओ, y प्लस 5 अपान कितना, 2, ठीक है। तो बता रेंज y, y ही रेंज है, तो y बिलोंग्स टू क्या, r रियल नंबर, ठीक है, y बिलोंग्स टू क्या बताओ, r रियल नंबर, ये r रियल नंबर हो गया, और कोडोमेन भी क्या है, आर रियल नंबर, तो फंक्शन क्या हो गया बताओ, आंटू, ये फंक्शन वन वन और आंटू दोनों है, मतलब क्या है, बाइजेक्टिव, तो आगे भी चेक करने की जरूरत है कि यहीं पे रुक जाए, मिल गया तो रुक जाओ, क्योंकि आगे सब जो है इसमें से कोई वन वन होगा, कोई आंटू होगा, कोई वन वन आंटू दोनों नहीं होगा, तो हमको ऑप्शन मिल गया, यहीं पे रुकते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों का, क्लियर, ठीक है। कितने बच्चों ने इसको टेस्ट में सही किया, यस, चलो, ये तो देखते ही देखते लग जाना चाहिए, क्या होता है, ये तो टेबल में लिखवाए ना, पीरियोडिक फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट, इसका पीरियड क्या होता है, वन। चलो, कितने बच्चों ने इसको गलत कर दिया, ए, इसको गलत कर दिया, ठीक है। देखो पहला चीज ये ध्यान देना कि कभी कभी ऐसा होता है कि सिग्नम फंक्शन, जैसे सिग्नम फंक्शन का हमने बताया था एस जी एन एक्स, सिग्नम फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड एक्स अपान क्या बताओ, एक्स, इट इज स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में क्या होता है कि जीरो पे भी क्या देता है, जीरो देता है, जीरो पे कोई भी फंक्शन जीरो नहीं देता है, ये सिग्नम फंक्शन ऐसा फंक्शन है कि जीरो अपान जीरो पे भी क्या देता है, जीरो, ठीक है, क्योंकि इसका ग्राफ भी ऐसा होता है, इसका ग्राफ देखोगे सिग्नम फंक्शन का इस तरीके से होता है, ग्राफ जो है तीन पॉइंट पे हाईलाइट होता है सिग्नम फंक्शन का, और ऐसे ग्राफ होता है इसका, ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ, ये वन यूनिट चलता है, यहाँ माइनस वन चलता है, ये सिग्नम फंक्शन का क्या है बताओ, ग्राफ, ठीक है। तो बताओ जो ग्राफ ये बता रहा है सिग्नम फंक्शन को जब डिफाइन करता है स्टूडेंट, ठीक है, तो x ग्रेटर देन जीरो मतलब जीरो से बड़ी वैल्यू लोगे तो मॉड को हटाओगे तो x अपान x क्या मिलने वाला है, वन, और जब लेस देन जीरो वैल्यू लोगे तो क्या मिलने वाला है बताओ, माइनस x अपान x क्या मिलने वाला है, माइनस वन, इक्वल टू जीरो रखोगे तो क्या मिलेगा, जीरो। लेकिन मैं यही पे बोल दूं कि डोमेन जो है इक्वल टू जीरो नहीं रखना है, तो डोमेन जब जीरो नहीं रखोगे तो क्या कभी, ये बताओ ये कभी जीरो आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो जिसको डोमेन नॉट इक्वल टू जीरो रखा है, आप ऑप्शन रेंज में भी अब इसका आउटपुट पूछेंगे तो इसके हिसाब से इसका डोमेन क्या हुआ, अभी क्वेश्चन पे मैं अभी आ रहा हूँ, जस्ट इसके हिसाब से इसका डोमेन क्या हुआ, आर रियल नंबर, इसका रेंज क्या हुआ, यस, रेंज क्या होगा बताओ, माइनस वन, जीरो और क्या हुआ, वन, ये रेंज हो गया, तीन रेंज हो गए, माइनस वन, जीरो और वन, आइए हो गया क्या बताओ, डोमेन, डोमेन बिलोंग्स टू क्या बताओ, आर रियल नंबर, ठीक है। तो ये चीजें माइनस वन जीरो वन, ये आर रियल नंबर, तीन हो गए। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब ये चीजें दिमाग में रखना, अब इसी कॉन्सेप्ट को बच्चे इस क्वेश्चन पे अप्लाई करने गए हैं तो कई बच्चे ना नाप दीज मार दिए,
ठीक है, कई लोगों ने मतलब सही कॉन्सेप्ट लगाया लेकिन ऑप्शन क्या मारा, नन ऑफ दीज। अब ध्यान दो, मैं ऐसा भी ऑप्शन है जहाँ पे 3/3 रखोगे तो 3 0/0 मिलेगा, लेकिन 3 रखोगे तब ना मिलेगा, तो डोमेन को ही 3 से बाहर कर दें तो क्या कभी 0 आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन यही है, तब इस क्वेश्चन में अभी इस क्वेश्चन अगर बच्चे समझ में आ गया होगा सिग्नम फंक्शन तो इसके कॉन्सेप्ट से, तो ये क्वेश्चन अब लगाना आसान हो गया होगा। एफ एक्स इक्वल टू क्या मिला, मॉड एक्स माइनस 3 अपान कितना, एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चे, एक्स ग्रेटर देन 0 करेंगे तो एक्स माइनस 3 अपान एक्स माइनस 3 क्या मिलने वाला है, 1। और लेस देन 0 करेंगे, सॉरी एक मिनट यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ये ग्रेटर देन 0 कर देंगे पर ग्रेटर देन 3 कर देंगे, आई लेस देन क्या कर देंगे 3। ग्रेटर देन 3 करोगे तो 1 मिलेगा, आई लेस देन 3 करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स माइनस 3 माइनस 1। अब जो है 3 तो करना ही नहीं है, 3 पर जिससे 0/0 करना ही नहीं है, ऐसा भी डोमेन है हमारे पास, तो ऑप्शन में क्या है क्या बताओ, आर रियल नंबर किसको छोड़ के, 3 को, ये डोमेन हो गया। ठीक है, अरेंज सिर्फ 2 ही वैल्यू हो गया, इसको बंद कर दो। क्लोज कर दो इसको, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ, बी। समझ में आया कि नहीं, बी। बी वाला सही हो गया। ठीक है, तो ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन को, क्वेश्चन घर पे लगाओ खुद से, तुमको आना जब, अच्छा ये कैसे समझ में आएगा, जब एक एक क्वेश्चन को घर पे पिन से लगाओगे, इसको टाइम दोगे, अब जब टाइम नहीं दोगे तो पिन भूल जाएगा, फिर टाइम देना शुरू करो, जब हम इसी के साथ लग जाओ, एक बार और लगाओ मेरे बताने के बाद। ठीक है, तो समझ में आ गया। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन में बच्चे ध्यान देंगे, कितने बच्चे ऐसे हैं जो साइन इनवर्स के डोमेन के बारे में जानते हैं, गुड, साइन इनवर्स का डोमेन बताओ, अंकित बोलो, अंकित कहाँ से कहाँ लाई करता है साइन इनवर्स, ध्यान कहाँ था, पासी में था, यहाँ यहाँ बैठो, यहाँ यहाँ सीधे ध्यान रहेगा ना मेरे तरफ। ठीक है, तो साइन इनवर्स, जब तक तुमको साइन इनवर्स, अच्छा साइन इनवर्स की क्षमता क्या हो सकती है, क्षमता बोल रहे हैं तो आ जा रहा है तुमको, बैठो, क्षमता है डोमेन का मतलब क्या, उसकी क्षमता, जैसे तुम्हारा कार्य करने की क्षमता क्या है, मिनिमम कितना है और मैक्सिमम, वो रेंज हो जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ध्यान दो, अब काम करने के लिए जो यहाँ पे ध्यान दो, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ वैल्यू को लेगा, माइनस वन से प्लस वन। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ये दिमाग बैठा लो कि पहले साइन इनवर्स के बारे में सोचो, तो साइन इनवर्स कहां से कहां वैल्यू लेगा, माइनस वन से क्या ले लेगा, साइन इनवर्स के अंदर कौन बैठा है, लॉग एक्स बाई सी। अब इसको यहां बच्चे लिख लेंगे लॉग एक्स बाई सी। ठीक है, अब बेस फार्मूला हमने बताया, ठीक है, लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू टी, एक्स इक्वल टू, गुड, एक्स इक्वल टू ए के पावर टी, इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, तब इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग क्या मिलेगा, 3 के पावर माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, एक्स बाई थ्री, यहाँ के क्या हो जाएगा, 3 के पावर 1। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ काम करने लगा, यहाँ पे 1/3 और कहाँ बताओ, एक्स बाई थ्री और क्या बताओ, 3, ये इसमें कैलकुलेशन किया एक्स और क्या आने लगा, 9। अब ये वैल्यू कहाँ से कहाँ जाने लगी, 1 से 9, मतलब क्लोज इंटरवल 1 से 9, क्लोज इंटरवल 1 से 9। ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। टेस्ट में कौन कौन को सही किया था, यस, बहुत अच्छे, जो टॉपिक तुमको पढ़ा दी गई उससे गलती नहीं होना चाहिए, एकदम कोशिश करो, और जब गलती हो भी जाए तो नेक्स्ट टेस्ट में उसको ऐसा करो कि फिर रिपीट ना हो गलती। ठीक है, उसको टेस्ट से पहले एक दो बार लगाओ, समझो क्वेश्चन को, नोट कर लिए, चलो ये क्वेश्चन भी अच्छा था, इस क्वेश्चन को अच्छा टेस्ट में कितने बच्चे सही किए,
और तुमने कोशिश भी नहीं की, घर पे भी कोशिश नहीं की इस क्वेश्चन को लगाने की। घर पे कितने लोग लगाए टेस्ट में, मान लो गलती कर दी, घर पे कितने लोग कोशिश किए रफ पर, हाथ उठाओ। यस, लग गया कि नहीं लग गया? लगा। और इधर जो है घर पे रखा था, तो जिसमें क्या था ही फंक्शन छोड़ गई, तो डिफरेंशिएशन पे चलो आते हैं। डिफरेंशिएशन पे चलो, पहला चीज इसका क्या फाइंड कर, इफ डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स, डोमेन दिया हुआ है, डोमेन क्या है बताओ, आर रियल नंबर, और तुमको क्या फाइंड करना है रेंज। किसी तरीके से वाई इज इक्वल टू जो दिया है तुम एक्स इज इक्वल टू कन्वर्ट कर दो, बस तुमको वाई पे जो कंडीशन है तो वाई पे कंडीशन अप्लाई करो, ठीक है। तो जैसे वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इसको मानते हैं, तो वाई इज इक्वल टू जो है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सेवन। अगर क्वाड्रेटिक वाला तुमको कठिन लग रहा है तो आसान मेथड, ठीक है, वाई इज इक्वल टू, अच्छा एक्स का कोफिशियंट कितना है, सिक्स है, वन के यहाँ एक्स का कोफिशियंट सिक्स है, ठीक है, एक्स का कोफिशियंट कितना है सिक्स, सिक्स को टू से डिवाइड करो क्या मिलेगा थ्री, थ्री का स्क्वायर करो क्या मिला नाइन, इसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर बना दो, ठीक है। मतलब जो भी कोफिशियंट हो माइनस सिक्स एक्स पहले टू से डिवाइड किया फिर स्क्वायर किया तो क्या मिला प्लस वन प्लस नाइन माइनस नाइन, और प्लस कितना सेवन, तो क्या मिलने लगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, अब माइनस कितना सॉरी प्लस नाइन, अब माइनस कितना टू। अब देखो ये चीज़ें क्या हो गई, ये चीज़ें हमारी परफेक्ट स्क्वायर बनी कि नहीं बनी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर देते हैं, सॉरी वाई इज इक्वल टू, वाई इक्वल टू, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन को समझो जो है, ये तो फिर देख लोगे बाद में भी, यहाँ पे समझ लो क्वेश्चन को, ये हमेशा अब रहेगा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, अब माइनस क्या टू, इसके बाद हम वाई को इधर लाते हैं तो क्या मिलने लगेगा एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना टू प्लस वाई, तो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू कितना रूट टू प्लस वाई, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना थ्री प्लस रूट टू प्लस वाई। अब यहाँ तक ऐसे कंडीशन में आ गए कि तुम डोमेन पे अब वाई पे रेंज पे कंडीशन देने लायक हो गए, ठीक है। रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, समझ में आया, रूट अपने अंदर क्या नहीं लेता, निगेटिव नहीं लेता, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ बच्चे ध्यान देंगे, टू प्लस वाई ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो टू ऑलवेज ग्रेटर देन क्या बताओ माइनस टू, टू ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस टू, इसका मतलब माइनस टू से बड़ा, और जब रियल नंबर लाइन जब बच्चे खींचेंगे तो माइनस टू से बड़ा किधर जाएंगे, इधर, तो माइनस टू से कहाँ तक हमारा जाएगा जो है माइनस टू से इनफिनिटी, क्लोज इंटरवल, कौन सा ऑप्शन, यस करेक्ट, लिख लो जल्दी से, जल्दी जल्दी फास्ट करो, मैं आगे बढ़ूँ शाम को मिल जाएगा तुम लोगों को, आगे बढ़े टेस्ट वाला सब ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, शो जाएगा हमेशा क्लियर रहेगा, हम आगे बढ़ते हैं, लिख लेना इसको, चलो ऐसे बताओ। जल्द सोच लो इस क्वेश्चन पे एक बार, सोचो तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू इतना, ठीक है, सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, यस संकेत बताओ कहाँ से करोगे, रूट से करेंगे, क्या करोगे, गुड बैठ जाओ, देखो डिनोमिनेटर में क्या नहीं होता जीरो, ठीक है, और रूट के अंदर क्या नहीं लेगा, अगर इतना बच्चा तो आधा 50% क्वेश्चन खत्म, अगर इतना तुम सोच पाते हो कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो मुझे दो चीज़ सोचना है कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आने देना है, डिनोमिनेटर में क्या नहीं आने देना है जीरो, तो 50% खत्म। अब 25% एक चीज़ और ख़त्म कर देगा, क्या कर दोगे, अब उसके बाद क्या करोगे, मार्ट मार्ट को मत डिस्टर्ब करो, मार्ट तुमको डिस्टर्ब कर देगा, यस हम इसके बाद क्या करोगे, यस तुम बताओ है, गुड एकदम सही, इसके बाद कहाँ चले जाओ आप, 25% क्वेश्चन खत्म, मतलब 75% क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो गया,
एंड हो गया, बस 25%। तो तुमने रियल नंबर लाइन खींच दिया और तुम इतना दिमाग में आ गया कि रूट के अंदर जीरो नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए 70। अब 25% क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है। अब जीरो, अब तुम्हारा क्वेश्चन गलत भी करना चाहोगे तो गलत होगा नहीं, अब तुम गलती करके देख सकते हो, ठीक है। अब तुम गलत करो, तुमको गलत करने ही नहीं देगा, बस इतना जो काम कर दिया वो गलत नहीं करने देगा, ठीक है। अब यहाँ बच्चे ध्यान देंगे, अब यहाँ पे देखो, अब तुमको क्यों नहीं गलती करने देगा, क्योंकि तुम वन रखोगे तो क्या मिलेगा, जीरो, वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन क्या मिलेगा, जीरो। डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, 1.5 रखोगे तब भी क्या मिलेगा, जीरो। 2 रखोगे तब भी क्या मिलेगा, जीरो। 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो मिलता है, मतलब तुम इधर की कोई भी वैल्यू रख के चेक कर लो तुमको क्या मिलने वाला है, जीरो। तो इधर के डोमेन पे काम करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, इधर के डोमेन पे हम काम नहीं करेंगे, क्लियर, ठीक है। इस डोमेन पे हमने काम नहीं किया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पे आ जाते हैं, मतलब इधर वाले वैल्यू पाते हैं, हम कहते हैं कि तुम वन माइनस वन रखो, तो माइनस वन रखो, तो माट माइनस वन, अब माइनस माइनस वन देखो, तो माइनस वन रखोगे तो वन मिला, आप प्लस वन क्या मिलने लगा बताओ, टू। मतलब निगेटिव जो वैल्यू दे रहे हो इस फंक्शन को, इधर साइड की कोई भी वैल्यू दे रहे हो निगेटिव, तो क्या कर दे रहा है बताओ, रूट के अंदर क्या मिल जा रहा है, पॉजिटिव। मतलब इधर की वैल्यू पे काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। कहाँ से कहाँ किया, आंसर लिखते समय हमेशा लेफ्ट टू कहाँ जाते हैं, राइट। आंसर जब भी डोमेन का देना, लेफ्ट टू कहाँ जाना है, राइट। इसका मतलब आंसर देते समय हम माइनस इनफाइनाइट से क्या लिखेंगे, जीरो। गलती से जीरो पे क्लोज मत लगा देना, ठीक है। दोनों ऑप्शन सही है, ए वो भी, अच्छा वो क्लोज लगा हुआ है ना, ठीक है। तो क्या हो गया बताओ, माइनस इनफाइनाइट से जीरो, और जीरो पे क्या बताओ, ओपन इंटरवल। अब देख लो, अगर थोड़ा सा बच्चा अगर गलती करता है कि रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू, जिसको ये नहीं सोचने आया कि इक्वल टू, क्योंकि आदत पड़ी हुई है रूट के अंदर ग्रेटर, लेकिन डिनोमिनेटर में जाएगा तो सिर्फ ग्रेटर देन, जो इक्वल टू लेके चलेंगे वो कौन सा मार देंगे, बी मार देंगे, क्लोज ब्रैकेट, जो गलत हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ ब्रैकेट का खेल है, देखो। तो ऑप्शन क्या क्या बताओ, ए, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया, चलो। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इसको बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से किए होंगे तो उनको जरूर मिलेगा रेंज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको कितने बच्चों ने करने की कोशिश किया कि मुझे क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में भी किए, घर पे आ गया फाइनली कि नहीं आया, नहीं आया, ठीक है। कल आया, अच्छा चलो ध्यान दो, कल आया तो इसमें क्या किया जो है, इसमें पहला चीज बताओ, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं तुम बताओ, बोलो बोलो बोलो, रेंज निकालना, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, यस, रेंज, रेंज ही निकालना, कैसे शुरुआत करें, संकेत, यस बोलो, एक्टिव रहो एकदम क्लास में, बोलो, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे तुम बताओ, बोलो, y इक्वल टू मानो तुरंत, ये भी टाइम लगे ना क्वेश्चन में क्या करना, अगर तुमको आ रहा है तो फिर टाइम क्यों वेस्ट, क्या करना है तुरंत समझ में, पहले y इक्वल टू इसको मानते हैं, दो मेथड है, या तो ऐसे लगा लो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई आप प्लस कितना एक्स वाई आप प्लस वाई इज इक्वल टू कितना बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। तो इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, ये क्या मिल गया, वाई माइनस वन, इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा बताओ, वाई सॉरी एक्स मिले, एक्स कॉमन लेंगे ना, एक्स, चलो क्या क्या बोल रहे हो, ये सही है ना, इधर से अब ये आएगा तो एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्या मिला बताओ, वाई माइनस वन, इधर क्या मिला बताओ, प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू क्या मिला, जीरो। अब यहाँ पे कौन सा रूल है जो लगाएंगे, एक्स की वैल्यू जो है रियल के लिए, यहाँ पे x belongs to real, x दे दिया real, कौन सी वैल्यू लगाएंगे, मेथड डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बताओ, जीरो होना होता है ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लगाओ, तो बी स्क्वायर मतलब y माइनस वन का
होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। फोर ए की वैल्यू कितना और सी की वैल्यू कितना, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बताओ, जीरो। चलो ठीक है, अब यहाँ बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे जो है ऑलवेज डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो भी इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हो, ग्रेटर देन जीरो लिख सकते हो, ग्रेटर देन ही। ध्यान दो y माइनस वन कामन ले लेते हैं, जैसे ही y माइनस वन कामन ले लोगे, यहाँ ध्यान दो y माइनस वन आइए क्या हो गया बताओ, माइनस फोर स्क्वायर से कर लेते हैं, माइनस फोर वाई, कहीं गलती नहीं होना चाहिए, अब प्लस कितना एट, ठीक है प्लस एट, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। ध्यान दो y माइनस वन, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, y कितना मिला, सेवन माइनस थ्री वाई, चेक करो सेवन माइनस थ्री वाई, सेवन माइनस थ्री वाई, सेवन माइनस थ्री वाई ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब कहाँ किसके पास जाना चाहोगे, रियल नंबर, रियल नंबर के पास जाओ और रियल नंबर में ऐसे बना दो, रियल नंबर पे जाओ, रियल नंबर में इस तरह से बनाओ, ठीक है। रियल नंबर पे आप इसको रखो कि y इज इक्वल टू वन, y इज इक्वल टू वन रख दो, ठीक है y इक्वल टू वन, आइए y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेवन बाई थ्री, y इज इक्वल टू सेवन बाई थ्री, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, एक मिनट, ध्यान देंगे बच्चे, यहाँ पे हम लोग रखेंगे वैल्यू जो है y इज इक्वल टू वन, y इज इक्वल टू वन रख दो, यहाँ y इज इक्वल टू क्या रख देंगे बताओ, सेवन बाई थ्री, सेवन बाई थ्री रख दो, y की वैल्यू सेवन बाई थ्री। अब तीन इंटरवल में रियल नंबर लाइन क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो कोई इधर की वैल्यू बताओ, इधर की कोई एक सेवन बाई थ्री के आगे इधर क्या हो सकता है, फोर हो सकता है कि नहीं, फोर हो सकता है, अरे वन, हम ये रियल नंबर लाइन पे एक मिनट, एक मिनट रुको, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक बन रहा है, एक उल्टा बन जा रहा है, ये वाई इधर रहेगा ना, वन इधर रहेगा, अब सही है, वाई इक्वल टू सेवन बाई थ्री, ठीक है अब सही है। देखो अब इधर बताओ, इधर की कोई एक अपने मन से वैल्यू बताओ, जीरो, जीरो रखोगे तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे क्या मिला, क्या हो गया, लेस देन, लेकिन हमको क्या चाहिए, तो हमारे काम का डोमेन है इधर नहीं, मतलब इधर के कोई वैल्यू काम नहीं है। अब आते हैं बीच की, बीच की वन और सेवन बाई थ्री के कोई बीच की वैल्यू, जैसे टू है, तो टू, टू रखो, यहाँ क्या मिला, यहाँ क्या मिला, दोनों क्या है, सही है, मैच कर रहा है, इसका मतलब हम इधर के काम करेंगे, इधर की वैल्यू ले लो फोर चाहे फाइव ले लो, यहाँ क्या मिला पॉजिटिव, लेकिन यहाँ क्या मिलने लगा, निगेटिव, इधर की वैल्यू हमारे काम का नहीं है, तो जो काम की वैल्यू है कहाँ से कहाँ है, वन से, तो ऑप्शन में एक ही दिख रहा है कौन, गुड, सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है तो सी ऑप्शन करेक्ट। चलो आज इतना ही रहेगा तुम लोग का, नेक्स्ट हम लोग आगे 16 से देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज इतना ही रहेगा, थैंक यू।